नगर में एक राजा व उसकी रानी रहते थे। बहुत प्रार्थना करने के बाद उन्हें एक प्यारी बेटी हुई। राजा और रानी बहुत खुश हुए, इसीलिए उन्होंने एक बड़ी पार्टी रखी और राज्य की सभी परियों को बुलाया ताकि वो प्यारी बच्ची को बहुत सारे अच्छे अच्छे वरदान और गिफ्ट्स दे सकें। पर राजा एक दुष्ट परी को बुलाना भूल गया। पार्टी के दिन परियां आईं और नन्ही बच्ची को वरदान देने लगीं। पहली परी ने बच्ची को सुंदरता का वरदान दिया, दूसरी ने खुश रहने का वरदान दिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ने अच्छाई, स्वस्थ, नेक और भलाई करने वाली लड़की का वरदान दिया। सातवीं परी अभी वरदान देने ही वाली थी कि दुष्ट परी वहां आ गई और गुस्सा करने लगी। सभी लोग डर गए। वह नन्ही बच्ची के पास गई और बोली, अपने 16वें जन्मदिन पर तुम एक सुई चुभने से मर जाओगी। ऐसा कहकर वह वहां से गायब हो गई। सब लोग घबरा गए, पर उसी समय सातवीं परी आगे आई और बोली, घबराओ नहीं। उसने राजा रानी से कहा, तुम्हारी बेटी मरेगी नहीं। मेरा जादू दुष्ट परी का जादू खत्म नहीं कर सकता, पर मैं उसे रोक जरूर सकती हूँ। मरने की बजाय राजकुमारी गहरी नींद में चली जाएगी 100 साल के लिए, और होश में तभी आएगी जब एक राजकुमार उसे किस करेगा। राजा डर गया, इसीलिए उसने राज्य की सभी सुइयां और चरखे जला दिए। 15 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। राजकुमारी बहुत ही सुंदर, खुश और दयालु बनी। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। फिर उसका 16वां जन्मदिन आया। राजा और रानी ने उसके जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी। राजा रानी ने उसे सुइयों से दूर रखने के लिए कहा ताकि वो बच सके। एक दिन राजकुमारी लुका छिपी खेल रही थी। जब उसकी छुपने की बारी आई तो वह छुपने के लिए महल के एक कोने में चली गई, जहां उसे एक दरवाजा मिला। यह दरवाजा उसने पहले नहीं देखा था। अंदर सीढ़ियां थी। उसने सोचा छिपने के लिए यह अच्छी जगह है। ऊपर जाने पर उसे एक छोटा कमरा मिला। वहां पर एक बूढ़ी औरत एक चरखा चला रही थी। आप क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसीलिए उसने ऐसा पूछा। मैं चरखा चला रही हूँ। यह बूढ़ी औरत दुष्ट परी थी और भेष बदल कर बैठी थी। क्या तुम भी चरखा चलाना चाहोगी? राजकुमारी बैठ गई और चरखा चलाने लगी। जैसे ही उसने सुई को छुआ, उसे सुई चुभ गई और वह तुरंत ही गिर पड़ी। दुष्ट परी की बात सच हो गई और सातवीं परी की बात भी सच हो गई। राजकुमारी गहरी नींद में चली गई। धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग सोने लगे। राजा रानी भी सो गए, सभी मेहमान सो गए, सिपाही, कर्मचारी और नागरिक भी सो गए। सभी तरफ सन्नाटा छा गया। सालों बीत गए और महल के आसपास खंडर जैसी हालत हो गई। सभी लोग, राजा, रानी, राजकुमारी, सभी को भूल चुके थे। एक दिन 100 साल के बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने देखा एक जगह बहुत से कांटे लगे हैं। उसने किसी से पूछा कि उन कांटों के पीछे क्या है। उसे पता चला राजा, रानी, राजकुमारी के बारे में। वह वहां जाने के लिए
उत्सुक हो गया और उस तरफ चल पड़ा। उसने अपनी तलवार से कांटों को काट दिया और कुछ ही देर में वह पुराने महल के द्वार पर पहुंच गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। हर चीज पर मिट्टी की परत थी और सब तरफ मकड़ी के जाले। उसने सभी जगह जाकर देखा और थोड़ी ही देर में वह उस जगह पहुंच गया जहां पर राजकुमारी सो रही थी। वहां उसने सुंदर राजकुमारी देखी। उसने इतनी सुंदर राजकुमारी कभी नहीं देखी थी। वह उसे देखकर उसे देखता ही रह गया और इस तरह आकर्षित हो गया कि उसके पास जाकर राजकुमारी के हाथ पर किस कर दिया। तभी राजकुमारी ने आंखें खोली और उसने सुंदर राजकुमार को देखा। राजकुमार और राजकुमारी महल में गए। धीरे धीरे महल में सब जागने लगे। राजकुमार ने राजा और रानी से उनकी बेटी का हाथ मांगा। राजा और रानी ने राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। शादी में सातों परियां भी आईं और उन्होंने उन दोनों को खूब सारे वरदान दिए। दुष्ट परी का क्या हुआ यह किसी को पता नहीं चला। शायद वह अपने कमंड से खत्म हो गई। जल परी का जादुई हार। रामनगर नाम के एक गांव में तीन बहनें रहती थी। इन तीनों बहनों की शादी बचपन में ही हो गई थी और वो भी एक ही घर में। रामा, राधा और रूपा के पति रामू, रमेश और राजा अपने परिवार के साथ काफी खुश थे। तीनों बहनें मिलकर घर संभालती थी और तीनों भाई सवेरे घर से निकलते थे। रामू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। रमेश उन लकड़ियों को बाजार में बेचने जाता था। राजा भी बड़े बड़े कारखानों में लकड़ियाँ बेचता था और जो भी पैसे जमा होते थे वे तीनों उससे घर चलाते थे। एक दिन रामू नदी के पास लकड़ियाँ काट रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ये देखकर रामू डर गया और सोचने लगा, अब मेरे और मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे भाई, मेरी पत्नी और मेरी भाभियाँ भूखे रह जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? सोचते हुए रामू जोर जोर से रोने लगा। रामू को इस तरह रोते देखकर नदी से एक परी बाहर आई और पूछने लगी, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं क्या करूं? परेशान मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर जल परी पानी के अंदर चली गई और वहाँ से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। रामू ने इस कुल्हाड़ी को देखकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए पर ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर जलपरी एक बार फिर पानी में उतरी और वहाँ से एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। फिर जलपरी ने पानी से रामू की असली कुल्हाड़ी निकाली। अपनी कुल्हाड़ी देखकर रामू खुशी से नाचने लगा और कहा, हाँ हाँ, ये है मेरी कुल्हाड़ी। जलपरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी सादगी और ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुई। ये लो, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू दौड़ता हुआ घर गया और उसने अपने परिवार को तीनों कुल्हाड़ियाँ दिखाई। सभी काफी खुश हुए थे और तीनों बहनों ने खुशी से पूरे परिवार के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। खुशी मनाकर जब सब लोग सोने चले गए तो तीनों बहनें आपस में बातें करने लगी। राधा और रूपा ने कहा कि हम भी नदी के किनारे जाकर जल परी से कुछ न कुछ तो मांग ही लेंगे। ऐसा सोचकर दोनों ने सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही सुबह हो गई, राधा और रूपा नदी की ओर चल दी और नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी।
दोनों बहनों की आवाज सुनकर जलपरी बाहर आ गई। तुम दोनों क्यों रो रही हो? हमारे पति लकड़ियाँ बेचकर हमारा घर चलाते हैं, मगर कल जब वो जंगल से पैसे लेकर लौट रहे थे तो वो नदी में गिर पड़े और सारे पैसे और जेवर पानी में बह गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उदास हैं। जलपरी ने जब उनकी ये बात सुनी तो वो तुरंत पानी के अंदर गई और एक संदूक लेकर बाहर आ गई। क्या ये तुम्हारी है? हाँ हाँ, ये हमारी ही है। जलपरी ने बिना कुछ कहे संदूक राधा और रूपा के हवाले कर दिया। खुशी खुशी दोनों बहनें घर की ओर चल दी और जब उन्होंने संदूक खोले तो उसमें ढेर सारे जेवर थे। आओ बहन, जरा इसे पहन के तो देखें। राधा ने एक चमकता हुआ हीरो का हार अपने गले में पहना और रूपा ने सोने की पायल पहन ली। मगर ये क्या? जैसे ही दोनों बहनों ने ये जेवर पहने, राधा का गला घुटने लगा और रूपा के पैरों में सूजन आने लगी। लाख कोशिशों के बाद भी ये दोनों अपने जेवर उतार नहीं पाए और दर्द के मारे चिल्लाने लगे। तब रामा दौड़कर नदी के पास जाकर रोने लगे और जलपरी को पुकारने लगे। रामा की आवाज सुनकर जलपरी बाहर आ गई और उसने रामा से रोने का कारण पूछा। झुकी नजरों से रामा ने जलपरी से सब सच कह दिया और माफी भी मांगी। लालच जी का जंजाल है जिससे किसी का भी भला नहीं होता। तुम लोगों को ये बात समझ आ गई है, अब जाओ और अपनी बहनों को इस नदी का पानी पिलाओ, वो ठीक हो जाएंगे। फिर मेरी संदूक मुझे लौटा देना। रामा घर गई और अपनी बहनों को नदी का पानी पिलाने लगी। साथ ही उसने जलपरी की सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। सभी समझ गए थे कि लालच बुरी बला है और तीनों बहनों ने दिल से जलपरी से माफी भी मांगी। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। एक बार एक दुष्ट जादूगर था जिसे अजीब अजीब चीजें बनाना बहुत पसंद था। एक बार उसने एक जादुई आईना बनाया। यह आईना सबसे अलग था क्योंकि इसमें देखने पर सभी चीजें बहुत बदसूरत भद्दी हो जाती थी। सुंदर मैदान दलदल में बदल जाते थे और सुंदर लोग बदसूरत और बूढ़े बेजान दिखते थे। जादूगर अपने आईने से बहुत खुश था। वह अपने आईने को लेकर पूरी दुनिया में घूमता और लोगों को बहुत परेशान करता। एक दिन जब वह ऊंचा उड़ रहा था, वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था अपने आईने के कारनामों की वजह से। उसके हंसते हुए उसका आईना धरती पर जा गिरा और उसके लाखों टुकड़े छोटे छोटे हो गए। ये टुकड़े जब हर तरफ उड़ने लगे, कुछ टुकड़े लोगों के दिलों में चुभ गए और उन लोगों को कठोर दिल बना दिया। कई टुकड़े लोगों की आंखों में जा गिरे और फिर उन लोगों को सब खराब व गंदा दिखने लगा। सबसे बड़ा कांच का टुकड़ा बर्फीली रानी पर जा गिरा जो उत्तर दिशा में राज करती थी। उसी समय से बर्फीली रानी बहुत कठोर दिल और मतलबी हो गई और बर्फीली रानी से काफी दूर एक लड़का मिंटू और उसकी दोस्त मिनी रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो रोज एक साथ खेलते थे। सर्दियों में एक दिन मिंटू और मिनी बर्फ में स्नोमैन बना रहे थे। तभी मिंटू जोर जोर से रोने लगा। ओ, मेरी आंख में कुछ चला गया और मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। आईने का एक टुकड़ा मिंटू को चुभ गया था।
क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए? चली जाओ यहाँ से। मिंटू ने स्नोमैन को भी गिरा दिया। यह देखकर जब मिनी रोने लगी तब मिंटू जोर जोर से हंस पड़ा और पास पड़े स्लेज पर बैठकर वहां से चल पड़ा। वो अकेला बर्फ पर खेलता रहा और काफी आंखें निकल गया। उसके स्लेज के पास एक बड़ा स्लेज आकर रुका। उसने ध्यान नहीं दिया कि दूसरे स्लेज में कौन था। उसने एक रस्सी बड़े स्लेज पर डाली और उसके सहारे से ज्यादा दूर निकल गया। बड़ा स्लेज मिंटू को घसीटता हुआ एक बर्फीले किले में ले गया। वहां पहुंचकर बड़ी स्लेज के चालक ने मिंटू को किले के अंदर चलने को कहा। मिंटू इधर आओ, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी। यह बर्फीली रानी थी। मिंटू उससे डरा नहीं और फिर बर्फीली रानी ने नीचे झुककर उसके गाल को चूम लिया। इस किस्से मिंटू मंत्रमुग्ध हो गया और वह मिनी और बाकी सबको भूल गया और बर्फीली रानी को ही अपना समझने लगा। उसे लगा बर्फीली रानी दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, पर उसका दिल अब कठोर हो चुका था। वहां घर पर मिनी मिंटू की तलाश करती रही। वह सबसे मिंटू के बारे में पूछती थी पर मिंटू किसी को नहीं मिला। शायद वो नदी में गिरकर डूब गया होगा। मिनी ने अपने सबसे खूबसूरत लाल जूते नदी में फेंक दिए और नदी से मिंटू को वापस देने को कहा। पर नदी ने भी तो मिंटू को नहीं देखा था, इसीलिए उसने लाल जूते वापस बाहर भेज दिए। मैं मिंटू को कहाँ ढूंढूं? वह अब कहाँ होगा? मैं उस तक कैसे पहुंचूं? तभी एक छोटी सी नाव मिनी के पास आकर रुकी। मिनी उसमें चढ़ गई और नदी के बहाव से आगे बढ़ती गई। वह बहुत दूर तक नाव में बैठे बैठे आगे बढ़ती गई। एक अनजान स्थान पर थी, एक जंगल में, जहां जाकर नाव रुक गई। ये मैं कहां आ गई? उसने एक बारहसिंगा से पूछा। टीपू जंगल। क्या तुमने एक छोटे से बच्चे को देखा है? हाँ, एक लड़का उत्तर दिशा की रानी के साथ उसके महल में रहता है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। बारहसिंगा मिनी को अपनी पीठ पर बैठाकर उत्तर दिशा की ओर भागता रहा, जब तक वो बर्फीली रानी के महल तक नहीं पहुंच गए। मिनी वहां की ठंड से घबरा गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। किले के अंदर मिंटू ठंड में अकेला था। बर्फीली रानी थोड़ी दूर थी और मिंटू बर्फ से खेल रहा था। बर्फीली रानी ने मिंटू से कहा था कि जब वो उन बर्फ के टुकड़ों से फ्री लिख देगा तो वह अपने घर जा पाएगा। मिंटू कोशिश करता रहा पर बर्फ के टुकड़ों से फ्री नहीं लिख पाया। जब मिनी ने मिंटू को देखा तो वह तेजी से जाकर मिंटू के गले लग गई और रोने लगी, पर मिंटू ने उसे नहीं पहचाना। यह देखकर वह सच्चे दिल से रोने लगी। उसके आंसू जब मिंटू के दिल पर गिरे तो उसका कठोर दिल नर्म हो गया और मिंटू भी जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से कांच का वह टुकड़ा उसके आंसुओं के साथ जमीन पर गिर गया और जब उनके उन बर्फ के टुकड़ों को देखा तो वे फ्री वर्ड लिख चुके थे। यह देखकर मिंटू ने खुशी से मिनी को गले लगा लिया। तुम दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों खुश हो गए।
मिंटू चलो घर वापस चलते हैं। उसके बाद मिंटू और मिनी खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए। दांतों की परी। चिंकी एक 6 साल की लड़की थी। वो अपने बिस्तर पे अपनी माँ के बाजू में सो रही थी और उसकी मम्मी उसे कहानी सुना रही थी। माँ, क्या सच में परियां होती हैं? हाँ चिंकी, पर परियों को सिर्फ अच्छे बच्चे पसंद होते हैं और वो शैतान बच्चों के सामने नहीं आती। तो तुम्हें कभी शैतानी नहीं करनी, क्योंकि परियां हमेशा तुम्हें देखती रहती हैं। चलो अब सो जाओ चिंकी। गुड नाइट चिंकी। गुड नाइट माँ। चिंकी खाने के टेबल पर अपनी छोटी बहन मिंकी के साथ बैठ के गुड़ियों से खेल रही थी। मिंकी जल्दी से दूध खत्म करो और चिंकी गुड़ियों के साथ खेलना छोड़ के अपना एप्पल खाओ जल्दी से। मुझे भूख नहीं है माँ, नहीं पीना मुझे। अच्छी बच्ची हो ना तुम, नहीं तो परियां नहीं आएंगी। माँ, अगर मैंने ये एप्पल खा लिया तो परियां आएंगी? वो अगर तुम एप्पल खाओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? चिंकी जल्दी से एप्पल खाना चालू कर देती है और अचानक जोर से रोने लगती है। देखो माँ, मेरा दांत टूट गया, लेकिन अब मैं इसे अपने तकिए के नीचे रख दूंगी और फिर दादू की परी आ जाएगी। ये वो अपना दांत लेकर अपने कमरे में भागती है। और हाँ चिंकी, जल्दी सो जाना, नहीं तो दांतों की परी नहीं आएगी। माँ बस दरवाजा बंद करती है तो रोशनी की किरणें कमरे के अंदर आती हैं। चिंकी तकिए के नीचे रखा अपना दांत देखती है और सो जाती है। कुछ देर बाद चिंकी की नींद किसी आवाज से खुल जाती है और वो आंख खोल के देखती है कि उसके सामने एक बहुत सुंदर परी थी जिसने सफेद रंग की गाउन पहन रखी थी और उसके हाथ में उसकी जादुई छड़ी थी और वो चिंकी के सामने उड़ रही थी। क्या तुम दांतों की परी हो? हाँ चिंकी, मैं ही दांतों की परी हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारे दांत लेने आई हूँ और तुम्हें गिफ्ट देने आई हूँ। क्या चाहिए चिंकी तुम्हें? मुझे परियां बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे भी एक परी बना सकती हो? हाँ बिल्कुल, आबरा का जाबरा। चिंकी एक छोटी परी में बदल जाती है। वाह धन्यवाद। चलो चिंकी, हम बादलों में चलते हैं जैसे दूसरी परियां उड़ती हैं। परी चिंकी का हाथ पकड़ती है और वो उड़ते उड़ते खिड़की से निकल के बादलों के पीछे पहुंच जाती हैं। चिंकी को बहुत मजा आ रहा था, वो हंसे जा रही थी। और कुछ टाइम बाद वो लोग फिर से घर के अंदर आ जाते हैं। बाय चिंकी, अच्छी बच्ची रहना तुम। अब आप वापस कब आओगी? जब तुम्हारे पास मेरे लिए दांत होगा। चिंकी के दांत टूटते हैं और वो परी से मिलती है और आसमान में उड़ती है। चिंकी टेबल पे बैठी थी और अपनी दांत को हिला रही थी। नहीं चिंकी, ऐसा मत करो। माँ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे दांतों की परी से मिलना है। माँ चिंकी को देखकर हंसती है। माँ देखो, मेरा दांत टूट गया। अच्छी बच्ची, चलो इसे तुम्हारे तकिए के नीचे रख देते हैं। मिंकी सो जाती है। चिंकी चुपचाप जाके मिंकी का दांत चुरा लेती है और अपने तकिए के नीचे रख लेती है। अचानक वो उठती है और आईने के सामने जाकर देखती है कि उसके सारे दांत गायब हो जाते हैं। ये देख के वो रोने लगती है और फिर परी आ जाती है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो चिंकी? क्योंकि मेरे सारे दांत गायब हो गए हैं, अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो तुम शैतान बच्ची क्यों बनी? ये तुम्हारी सजा है। क्या तुमने मिंकी का दांत चुराया?
हाँ, मुझे माफ करना। क्या तुम फिर से ऐसा करोगी? नहीं नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। परी अपनी जादुई छड़ी हिलाती है और चिंकी के दांत फिर से आ जाते हैं। मिंकी भी उठ जाती है और आके वो परी के गले लग जाती है। चलो बच्चों, मैं तुम्हें परियों की तरह उड़ाती हूँ। और फिर वो तीनों आसमान में उड़ जाते हैं।